Subscribe to the Ready to Ride channel and press the bell icon and like the video. This is Dhruvil and welcome back to my YouTube channel. I know that you are waiting my videos on YouTube channel because of my last time my exam was going, so I was not make able to vlogs or videos or new contents for you. So don't worry, now vacation is going now and new videos and new contents confirmly coming on my YouTube channel. So stay tuned on my YouTube channel. So अभी आज के vlog की बात करते हैं, लेकिन स्टार्ट ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था. तो अभी कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ कि आई एम प्रोफेशनल डिजाइन इन एनएक्स सॉफ्टवेयर. मैं एक प्रोफेशनल डिजाइनर हूँ. तो आज मैंने कुछ नई डिज़ाइन किए हुए, तो वो तो मैंने एक मंथ पहले डिज़ाइन की थी. नया हेलमेट डिज़ाइन किया है और एक विंडशील्ड डिज़ाइन किया है. तो अभी आपको मैं सब कुछ बताता हूँ. तो पहले आप क्या देखना चाहते हो, विंडशील्ड या हेलमेट? तो सबसे पहले हम हेलमेट की बात करते हैं. तो अभी हेलमेट तो एक बेसिक चीज़ है हमारे राइडर्स के लिए, तो खास डेफिनेटली एक तो बहुत ही नेसेसरी है फॉर राइडर्स के लिए. तो मैंने स्पेशल राइडर्स के लिए उसको ध्यान में रखते हुए उसका प्रॉब्लम और सब कुछ एक स्पेशल हेलमेट डिज़ाइन किया है फॉर राइडर्स के लिए. उसमें क्या क्या है सबसे पहले देख लो, ये देख लो. फोटोस और वो सब वीडियो था, तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आई होप सबसे पहले कि ये डिजाइन अच्छी लगी होगी आपको, मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि मैंने इन्वेंशन किया है वो अच्छी तो लगेगी. तो कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ उसमें. तो ये स्पेशल हेलमेट राइडर्स के लिए बिकॉज ऑफ उसमें गोप्रो का स्टैंड एक्स्ट्रा नहीं, हेलमेट में ऐसा स्टैंड बनाया जो डायरेक्ट गोप्रो फिट हो सकता है. और उसके बाद यहाँ पे हेलमेट ने अब एक साइड देखा कि रेड कलर की लाइट है सेफ्टी के लिए जो हाईवे पे यूज़ होता है. और फ्रंट में भी यहाँ पे दो वाइट एलईडी लाइट्स, मैंने ऐसा कुछ कंसेप्ट नया डेवलप किया है. लेकिन ऐसा कंसेप्ट मार्केट में आता है लेकिन हेलमेट के साथ नहीं आता है. तो एक मंथ पहले मैंने ये सब कुछ डिज़ाइन किया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, आपको बता देता हूँ, तो अच्छा लगा आपको. सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा हेलमेट है साइड व्यू इसका. तो अभी यहाँ पे गोप्रो का माउंट है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ पे ब्रेक लाइट है जो अभी रेड कलर सेफ्टी के लिए हाईवे के, यहाँ पे भी एक लाइट है. तो अभी देखिए ये पूरा बैक साइड का व्यू है. यहाँ पे मेरा आरटीए लोगो है, ये पूरी ब्रेक एलईडी लाइट्स है जो सेफ्टी के लिए है. और यहाँ पे आप दो साइड देखते हैं, यह वाइट कलर की एलईडी है जो नाइट में आपको यूज़ कर सकते हैं इजीली. और ये सब बैटरी ऑपरेटेड है. तो आई होप आपको ये डिजाइन अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको अच्छी लगी क्या है. कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए. सो अभी हमने हेलमेट की डिज़ाइन तो पूरी देख ली. अगर अच्छी लगी नहीं लगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं.
अभी विंडशील्ड की बात करते हैं। अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज विंडशील्ड, उसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो सब क्या है, तो सब कुछ बता दो। रुके रुके तो विंडशील्ड जो होती है वो राइडर्स को हवा जो एयर फ्लो होता है वो उसको इधर से रोकती है। विंडशील्ड का यूज़ ओनली फॉर हाईवेज में होता है। 100+ किलोमीटर पर आप बाइक चलाते हो तब भी विंडशील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर राइडर्स। तो अभी विंडशील्ड जनरली नेकेड बाइक में नहीं आती, ओनली फॉर स्पोर्ट्स बाइक में ही आती है। आपने देखा होगा R15 में है वो, यहाँ पे होता है डैशबोर्ड के साथ स्पीडोमीटर के आगे, CBR है, कोई भी अच्छी आप स्पोर्ट बाइक कोई भी ले लो उसमें विंडशील्ड तो होता ही ऐसा, आपने देखा होगा, वहीं देखा तो अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो नेकेड बाइक में विंडशील्ड नहीं आती, जो पल्सर NS200 FZ है ऐसा कुछ बाइक में विंडशील्ड नहीं आती। और आप कभी भी 100+ किलोमीटर पर बाइक चलाते हाईवे पे तब भी आपको बहुत ज़्यादा एयर फ्लो होता है, थ्रस्ट होता है, एयर थ्रस्ट, तो उसमें ये विंडशील्ड लगी होती तो आपको बहुत ही एडवांटेज होता है क्योंकि हवा इधर से पीछे चली जाती है, आपको हवा नहीं लगती। तो दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ विंडशील्ड, और ख़ास करके नेकेड बाइक में तो बहुत ही यूज़ होता है। तो मैंने एक नई विंडशील्ड डिज़ाइन की है तो उसका एनालिसिस भी किया, तो अभी ये सब देख लो आप सबसे पहले, उसके बाद में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडशील्ड है पूरी, अभी आपने देखा वो ब्लैक कलर था वो भी है। अभी इसका एनालिसिस हो रहा है, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर 250 ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, ये उसका एनालिसिस हो रहा है। ये कलर वाइज आप यहाँ पे डॉट्स देख बबल्स देख दे सकते हो, यहाँ पे ग्रीन और रेड होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे हाई स्ट्रेस थोड़ा सा हो रहा है और इतनी हवा आ रही है इधर से। तो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे एनालिसिस विंडशील्ड का। इस तरह का कुछ है, अभी तो मैंने सिर्फ विंडशील्ड का ही डिजाइन किया है और उसका एनालिसिस कराओ, पूरा बाइक का नहीं कराओ तो उसमें ज्यादा चेंज हो सकता है, इधर से हवा इधर आएगी वो सब चेंजेस हो जाते हैं। तो भी यही सब देखा आप। तो मेरे पास कुछ टाइम था तो मैंने सोचा चलो एक प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक अच्छा कंसेप्ट भी डेवलप कर लेते हैं। तो ऐसा मैं कभी कभी कर लेता हूँ, मंथ में दो मंथ में कहीं कहीं नई डिजाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ऐसे कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में देखिए, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मुझे कीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ऐसे देखने के लिए, तो मैं आपको ये दिखाते रहूँगा कि मैंने क्या क्या नया नया इन्वेंशन किया है। तो अभी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा तो उसमें मुझे खास फॉलो कर दीजिए क्योंकि मेरे सभी अपडेट और अच्छे अच्छे फोटो सब कुछ नए हो इंस्टाग्राम पे आता है तो उसमें फॉलो कर दीजिए। फेसबुक में भी पेज है यहाँ पे आ रहा है उसमें भी फॉलो कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और अभी मुझे अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना। सो फाइनली इट्स टाइम टू शाइनिंग ऑफ दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ बिकॉज ऑफ टुडे इज नाउ दैट्स इट। So see you soon in the next vlog. Bye-bye.